भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिविल लाइन पेट्रोल पंप के सामने एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो बाइक आपस में टकरा गई। एक अज्ञात बाइक सवार जिससे ये बाइक टकराई वो मौके से फरार भी हो गए। दूसरी बाइक पर बैठी महिला घायल हो गई। लोगों ने उनकी मदद की और सभी ने मिलकर उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया। पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। शिकायत के बाद लगातार एक्सीडेंट जिले में हो रहे हैं और इनको लेकर लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। ये जो जगह है ये तिराहा है, यहाँ पर भी काफ़ी एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है क्योंकि यहाँ से बड़े वाहन भी होकर जनपद वाली तरफ से होते हुए आउटर हरसूद रोड पर निकलते हैं जहाँ से किशोर कुमार भवन है और लकड़ी का गोदाम है फॉरेस्ट विभाग का। दूसरा स्टेडियम वाली रोड है, यहाँ पर क्योंकि गाड़ियां लगातार आती हैं और अपनी गति से आती हैं, कई बार पेट्रोल पंप से निकलते समय भी हादसा हो जाता है। मौके पर एक पुलिस अधिकारी भी सिविल ड्रेस में है, उन्होंने भी महिला की हेल्प की और इस मामले में कोतवाली थाने की टीम ने भी पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और अज्ञात व्यक्ति जिसने बाइक को टक्कर मारी है और उसके बाद फरार हो गए उन्हें भी जल्द ढूंढकर उनके खिलाफ शिकायत के बाद अपराध दर्ज किया जाएगा। ऑटो वाले भी मदद के लिए रुके और उन्होंने ऑटो को उन महिला की मदद के लिए खड़ा कर दिया। फिलहाल महिला को जिला अस्पताल भिजवाया गया है और इस मामले में पुलिस ने इस पूरे विषय को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।